नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जियो का जो वेलकम ऑफर है उसकी जो 4 GB की लिमिट है उसके बारे में ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होगी और ये बिल्कुल ही अजीब बात है। आप सोच रहे होंगे कि जो जियो का वेलकम ऑफर है उसके अंदर आपको जो 4 GB मिलता है वो मिलता है पूरे एक दिन के लिए रात को 12 से 12 बजे तक, पर ये बात गलत है। आपको जो 4 GB मिलता है उसके बाद स्पीड 128 KBPS हो जाती है वो मिलता है जब आपका जियो का वेलकम ऑफर एक्टिवेट हुआ था उससे लेकर उसके 24 आवर्स तक। तो मैंने आज ही इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा जो वेलकम ऑफ़र एक्टिवेट हुआ था वो हुआ था 6:48 पे और आज का मेरा जो डेटा यूजेज है वो कुछ 2.5 GB के करीब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए 2.14 GB मेरा आज का यूजेज है। कल उस टाइम 6 बजे के बाद मेरा करीब 1.5 GB के करीब यूजेज रहा होगा, कल का तो ऐसे नहीं मालूम कर सकता मैं, 1.5 GB के करीबी यूजेज रहा होगा। तो बाद उसके बाद क्या हुआ कि मुझे तो लगा कि आज रात को 12 बजे तक मेरे को 4 GB मिलेगा, पर ये बात नहीं थी। अब मेरा 4 GB अभी ख़त्म हो गया है, अब मेरे को करीब 1 घंटे बाद 1.5 घंटे तक स्लो स्पीड के अंदर ही नेट यूज़ करना पड़ेगा और इसका आप प्रूफ देख सकते हैं। देखिए स्पीड टेस्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए बिगिन टेस्ट मैंने कर दिया है, अभी मेरे ऊपर जो स्पीड दिखा रहा है वो दिखा रहा है 33 KBPS। देखिए 0.1, 0.3, 0.2 KBPS, इसका मतलब यही है कि आप देख सकते हैं ये 4 GB आपका वो वेलकम ऑफ़र एक्टिवेट होने के टाइम से ये काउंट करते हैं और रात को 12 से 12 नहीं करेंगे। 66 KBPS तक स्पीड आ रही है, 41 अपलोड स्पीड थोड़ी शुरुआत में अच्छी है, वापस वो भी अब 0.02 KBPS हो गई है, 0.18 KBPS MBPS लास्ट के अंदर आई। तो आप इससे हम यही देख, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको मेरा 6:48 पे इन्होंने वेलकम ऑफर एक्टिवेट करा था, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे को 6:48 पे वापस शायद 4 GB डेटा मिल जाएगा, तो देखते हैं कि मेरे को 4 GB डेटा मिला है या नहीं मिला है। वापस कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 6:48 पे मेरा वेलकम ऑफर एक्टिवेट हुआ था। अब देखते हैं 4 GB मुझे उन्होंने वापस दिया है या नहीं दिया है। मुझे तो लग रहा है उन्होंने अभी तक नहीं दिया है मेरे को 4 GB, और देख लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा शायद डीले होगा। मिल गया है मुझे मेरा 4 GB डेटा वापस मिल गया है। अभी स्पीड टेस्ट में थोड़ी स्पीड कम इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ स्पीड टेस्ट थोड़ी कम स्पीड बता रहा है मेरे, पता नहीं क्यों। मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करता हूँ कुछ तो मेरे को आराम से 1 सेकंड में 4 से 5 MB डाउनलोड हो जाता है, और इधर तो उससे कई गुना धीरे स्पीड बता रहा है। तो मतलब इसकी जो स्पीड आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 32 to 40 MBPS और 4 MBPS बता रहा है, पर उन्होंने आखिरकार मुझे 4 GB डेटा मिल गया है। तो इससे प्रूफ होता है कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ जो आपका वेलकम ऑफर एक्टिवेट था उस टाइम सकते हैं कि जो आपका जियो का जो वेलकम ऑफर है उसका आप डेटा लिमिट वाइजली यूज़ करिए। ये सोच के यूज़ मत करिए कि मैं रात को डाउनलोडिंग में लगा देता हूँ 12 से 12 की लिमिट है, बल्कि वेलकम ऑफ़र के एक्टिवेट होने की टाइम की लिमिट है, उसके बाद ही आपको आपका जो वापस से 4 GB से वो अकाउंट रिचार्ज होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।